भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव को पहले टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली कुलदीप यादव को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को लंबे समय बाद टीम इंडिया के टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। मैच से पहले विराट कोहली और कुलदीप यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी चेन्नई में मैदान पर अभ्यास करते हुए नजर आए। अभ्यास सत्र के दौरान स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को कुलदीप यादव और ऋषभ पंत के साथ मस्ती करते देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जारी है। टॉस के दौरान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने जब प्लेइंग 11 की घोषणा की तो कई फैंस हैरान हो गए। चेन्नई की पिच पर भी भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तीन तेज गेंदबाजों के साथ खेलने का फैसला किया और इसके कारण स्पिनर कुलदीप यादव को बेंच पर बैठना पड़ा। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है जिसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चाइना मैन स्पिनर कुलदीप को बीच मैदान में घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब विराट कोहली स्पिनर कुलदीप यादव को मैदान में घसीट रहे थे तब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी उनके साथ दे रहे थे। चेन्नई टेस्ट से पहले का ये मूवमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट शुरू होने से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर वार्म अप करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान विराट कोहली कुलदीप और ऋषभ पंत मस्ती के मूड में थे। ग्राउंड पर बैठे कुलदीप यादव को देख विराट कोहली पीछे से आए और फिर एक रस्सी के सहारे उन्हें तेज से घसीटते दिखे। कोहली को ऐसा करते देख पंत भी मजाकिया मूड में आ गए और उन्होंने भी कुलदीप का पैर पकड़कर उन्हें मैदान पर घसीटने में कोहली की मदद की। कुलदीप यादव को कुछ दूर तक घसीटने के बाद विराट कोहली फिर वापस खिलाड़ियों के साथ वार्म अप में लग गए। मैच से पहले वार्म अप सत्र के दौरान कोहली और पंत यादव को घसीटते हुए देखे गए। दिसंबर 2022 में एक कार दुर्घटना के बाद ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है। पंत ने आखिरी बार इसी महीने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने इस साल की शुरुआत में आईपीएल टी20 टूर्नामेंट में भाग लेकर और फिर टी20 विश्व कप 2024 जीतकर अपने पेशेवर क्रिकेटर करियर को फिर से शुरू किया। वायरल वीडियो में पंत और कोहली दोनों मिलकर कुलदीप के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की वापसी हुई है जबकि रोहित शर्मा कप्तान बने रहेंगे। भारत ने अपने गेंदबाजी आक्रमण के लिए तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर चुने हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद रियाज और आकाशदीप के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रही हैं जिन्होंने रांची में इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण किया था। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा स्पिन जोड़ी बनाते हैं। पाकिस्तान पर 2-0 की घरेलू जीत के साथ बांग्लादेश वर्तमान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में चौथे स्थान पर है। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया की हालत लंच से पहले ही नाजुक हो गई। स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल सस्ते में पैलियन लौट आए। बांग्लादेश के उभरते हुए तेज गेंदबाज हसन महमूद ने तीनों को उछलता किया। रोहित और कोहली 6-6 रन और शुभमन गिल बिना खाता खोले पैलियन लौट गए। जयसपाल ने अच्छी पारी खेली लेकिन 52 के स्कोर पर आउट हो गए। खबर लिखे जाने तक भारत ने 6 विकेट खोलकर 176 रन बनाए हैं। क्रीज पर दोनों ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा मौजूद हैं।